नमस्कार किसान भाइयों, मैं पवन कुमार गोयल ग्रामीण विकास संस्थान के जैविक कृषि अनुसंधान केंद्र पर आज हम चर्चा कर रहे हैं जैविक सब्जियों के निमित्त टमाटर की जैविक खेती के निमित्त। जहाँ पे भी हम आहार के अंदर सब्जियों की गणना करते हैं तो टमाटर भी उसका मुख्य भाग है। सब्जी के अंदर चाहे किसी की भी सब्जी बनाएंगे, खटाई के लिए टमाटर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। टमाटर की खेती वर्ष भर हो जाती है। जैविक खेती के अंदर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इसके अंदर ऐड करने होते हैं, जोड़ने होते हैं, जिसकी वजह से उत्पादन के अंदर, गुणवत्ता के अंदर, स्वाद के अंदर काफ़ी इजाफा हो जाता है, ताकि मूल्य भी किसान को अच्छा मिल सके। आज हम बात कर रहे हैं जैविक टमाटर किस तरह करें, कैसे इसकी शुरुआत करें, क्या इसकी सावधानियां रखनी होगी, सर्दी में कैसे, बरसात में कैसे और गर्मी में कैसे। तो जहाँ पर हम बात अभी सर्दी की सीज़न की कर रहे हैं, सर्दी की सीज़न में टमाटर बहुत आसानी से उत्पादन देता है, लेकिन इसमें एक नया विषय जोड़ना होता है, वो है लो टनल। लो टनल का वीडियो वैसे हमने इसी चैनल पर दिया है किस तरह बनाना होता है, लेकिन ना टमाटर के अंदर लो टनल की बात आती है तो वो थोड़ा सा विषय हट जाता है, क्योंकि टमाटर लंबी बढ़ने वाली फसल है, मोटी होती है, तो इसके अंदर जो यू शेप के अंदर जो टनल बनाई जाती है वो इसके लिए, उसकी वानस्पतिक वृद्धि के लिए पर्याप्त नहीं है। तो वानस्पतिक वृद्धि के लिए यहाँ पे ये बांस इन्होंने गाड़े हैं सीधे, और बांसों के ऊपर इन पौधों को साधा है। इसके अंदर यू शेप का लो टनल काम नहीं करेगा, तो इसके लिए हमने जो बांस के ऊपर से लो टनल को शेप में दिया है। और सर्दियों के अंदर तो ये इसलिए आवश्यक है कि पाला पड़ने से, तापमान कम होने की वजह से पौधों के अंदर नुकसान ज़्यादा हो जाता है, तो इस तरह ढकने से हमारे को सर्दियों के अंदर फसल अच्छी और सही गुणवत्ता और अच्छी मात्रा मिल जाती है। अब बात करते हैं शुरुआत कैसे करें। सबसे पहले हर सब्ज़ी के अंदर, हम हर फसल के अंदर एक ही बात करते हैं कि अच्छी कंपोस्ट खाद दो। जैसे 15 टन कंपोस्ट खाद प्रति एकड़ हम इसके अंदर मिलाते हैं, नीम की खलियाँ भी मिलाते हैं और भिन्न भिन्न तरह के कल्चरों से भूमि का उपचार भी करते हैं। खली के अंदर महुआ की खली, करंज खली, सरसों खली भी उपयोग में ले सकते हैं। सबके परिणाम एक से बढ़कर एक हैं। अब हम बात करते हैं भूमि उपचार के बाद नर्सरी की। टमाटर की नर्सरी मर्दा रहित माध्यम से सॉइल लेस मीडिया में यदि हम तैयार करते हैं तो 22 से 30 दिन के अंदर नर्सरी तैयार हो जाती है। यदि हम क्यारी बना के अंदर पानी भर के करते हैं तो 45 दिन लगते हैं। यदि हम उठी हुई क्यारी के ऊपर नर्सरी तैयार करते हैं तो 50 से 60 दिन के अंदर हमारे को अच्छी नर्सरी मिल जाती है। हम लोग तकनीक का समावेश पूरा करते हैं, इसलिए हम चाहें कि काश्तकार मर्दा रहित माध्यम में सॉइल लेस मीडिया के अंदर नर्सरी तैयार करके पौधे उगाएँ, अच्छी निसल के अच्छी किस्म के बीज काम में लें, संभव हो तो देसी किस्मों को भी वो बढ़ावा दें। हमारे यहाँ पर भी देसी बीज टमाटर के उपलब्ध हैं, आप यहाँ पर प्राप्त भी कर सकते हैं। बस इसमें यह है कि वो बीज जो अभी सबसे छोटी आकार के जो टमाटर आते हैं वो वाले बीज उपलब्ध हैं, बड़े आकार के टमाटरों के बीज पर हम अभी कार्य कर रहे हैं, उसके बीज हम जब हमारे पास उपलब्ध होंगे जब देंगे। बात करते हैं नर्सरी के बाद इसके ट्रांसप्लांट की। तो हम इसको ट्रांसप्लांट करने के लिए सबसे पहले पौधों को एजोटोबैक्टर या बीजा अमृत या गोमूत्र या पंचगव्य जो आपके पास उपलब्ध हो इसके अंदर 10 मिनट डुबोकर, यदि हम एजोटोबैक्टर लेते हैं तो 5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से गोल बनाकर सभी पौधों को, जड़ों को ज़मीन के अंदर 10 मिनट तक डुबोकर रखें। यदि हम पंचगव्य की बात करते हैं तो 3% पंचगव्य पानी के अंदर गोल के 10 मिनट डुबो के रखें। जहाँ हम गौमूत्र की बात करते हैं तो 10% अर्थ है कि 1 लीटर के अंदर 100 ml गौमूत्र मिलाकर इसके अंदर 10 मिनट तक जड़ों को डुबो कर रखें। जहाँ पर हम बीजा अमृत की बात करते हैं तो प्योर बीजा अमृत के अंदर 10 मिनट पौधों को डुबो कर रखते हैं। तो इस तरह पौधों को उपचार करने के बाद में जिगजैग पद्धति से, जैसे पहला पौधा यहाँ लगा है दूसरा उसके सामने न लगा कर उसके तिरछा लगाएँ, ताकि पौधों को, जड़ों को बढ़ने के अंदर आसानी मिली रहे, जड़ें अच्छी तरीके से वृद्धि कर सके, पौधा आपस में भिड़े नहीं, ताकि सूर्य की किरणें, रोशनी सीधी उसको मिल सके। ये थी पौधरोपण की बात। पौधरोपण के बाद में हम सिंचाई की बात करते हैं। प्रथम सिंचाई के अंदर हम जीवामृत की
बात करते हैं कि प्रथम सिंचाई में 200 लीटर प्रति एकड़ की दर से पौधों के अंदर जीवामृत अनिवार्य रूप से दें ताकि इसके अंदर कल्चर की बढ़ोतरी हो सके। अब बात करते हैं 15 से 20 दिन के बाद में ये टमाटर अपनी वानस्पतिक बढ़वार की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही वानस्पतिक बढ़वार होती है तो पौधों को सहारा की आवश्यकता पड़ती है। सहारों के लिए आप बांस लगा के तार बांध के और नाइलॉन के धागों से इसको स्टैकिंग कर सकते हैं ताकि ये पौधे अच्छी अपनी कैनोपी ले सकें। जैसे 30 दिन का पौधा होता है तो प्रति पौधा आप यदि मल्च लगाई हो या चाहे सामान्य मल्च हो चाहे बायो मल्च है वहाँ पर प्रति पौधा या प्रति 100 वर्ग प्रति मीटर स्क्वायर के अंदर 100 ग्राम वर्मी कंपोस्ट, सुपर कंपोस्ट, नेडेप कंपोस्ट, ट्रेंज कंपोस्ट उपलब्धता के आधार पर ये आप अपनी ज़मीन के अंदर डालें एक माह की फसल के अंदर। अब हम बात करते हैं इसमें कीट एवं रोग नियंत्रण के लिए तो लेप माइनर और अनन्य रस चूसने वाले कीड़े होते हैं तो इसके लिए फेरोमोन ट्रैप, लाइट ट्रैप, स्टिकी कार्ड इन सब का उपयोग हमें निरंतर 25 दिन के बाद में फसल में लेने होते हैं जो अनिवार्य है। अब बात करते हैं हम आगे इसके अंदर पोषण प्रबंधन की तो जैसे ही 30 से 40 दिन की फसल होती है तो 40 दिन के अवसर पर हमें पंचगव्य प्रथम स्प्रे 3 लीटर पंचगव्य 100 लीटर पानी के अंदर डाल के छिड़कना होता है। अब आगे बढ़ते हैं हम इसके अंदर कीट के बाद में पोषण प्रबंधन के बाद में और रोग नियंत्रण के लिए। रोग नियंत्रण टमाटर में मूल दो तरह के रोग हैं जो सबसे ज़्यादा घातक होते हैं वो है लेट ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट। इन सब के नियंत्रण के लिए सामान्य और सहज उपचार ये है कि जैसे ही आपको लगता है कि खेत के अंदर नमी की बढ़ोतरी हो रही है और नमी की बढ़ोतरी के साथ साथ में वातावरण में एकदम तापमान में परिवर्तन हो रहा है तो आप बिना रोग का इंतजार किए तांबे वाली छाछ का स्प्रे करना है। 100 लीटर में 10 लीटर तांबे की छाछ मिला के तांबे की छाछ करते हैं कि अपनी मटके के अंदर छाछ डाल के तांबे की छत डालते हैं तांबे की छाछ बन जाती है। 20 दिन पुरानी छाछ को हम 100 लीटर पानी में 10 लीटर मिला के स्प्रे करते हैं तो हमारे ये समस्या कम हो जाती है। इसके अलावा हर 15 दिन के अंदर हम स्यूडोमोनास का स्प्रे भी करते हैं ताकि रोग प्रतिरोधक क्षमता इस फसल के अंदर करने की आती रहे। अब बात करते हैं कि अब इसमें अनन्य प्रयास क्या करने होते हैं तो इन पौधों की नीचे की जो पत्तियां है वो धीरे धीरे जैसे जैसे पौधा बढ़वार लेगा तो नीचे की पत्तियों को हम हटा देते हैं तो उससे क्या है कि इसके अंदर सघनता नहीं रहती है। इसके अलावा कीट एवं रोग जनित जितने भी पौधे की पत्तियां हैं वो भी हम धीरे धीरे इसमें से हटाते रहते हैं। जिस दिन हम पौधों के अंदर कोई भी पत्तियाँ या कल्चरल प्रैक्टिस करते हैं गुड़ाई करते हैं कचरा निकालते हैं तो हमारी श्रमिक बंधु जब भी इसके अंदर एंट्री करते हैं एक साथ में तो हम उस काम समाप्त होने के बाद में तांबे वाली छाछ का स्प्रे कर देते हैं या गौमूत्र का स्प्रे कर देते हैं जिसको अंग्रेजी भाषा में सैनिटाइजिंग सिस्टम हो गया कि वो करने की वजह से एक फसल का जो प्रभाव है दूसरी फसल के ऊपर ना पड़े तो इसे पौधों के अंदर एक स्वच्छता बनी रहती है। ये सब करने के बाद में जब हमारी फसल 55 दिन की अवस्था पे होती है तो 55 दिन की अवस्था के ऊपर इसमें फूल आने शुरू हो जाते हैं तो पुनः यहाँ पर पंचगव्य का स्प्रे दोहराना होता है। यदि पंचगव्य की उपलब्धता नहीं है तो हम यहाँ पर वर्मी वास डाल सकते हैं, टी कंपोस्ट डाल सकते हैं या जीवामृत डाल सकते हैं और कुछ भी नहीं है तो आप गौमूत्र का स्प्रे कर सकते हैं। गौमूत्र का स्प्रे करने के बाद में ये फूल जब फल में परिवर्तित हो जाते हैं तो फल में परिवर्तित होने के बाद में इसको कैल्शियम की आवश्यकता पड़ती है तो पानी के साथ में हमें चूने के पानी का घोल जो है वो निरंतर देना होता है। कई बार अतिरिक्त कैल्शियम की भी आवश्यकता पड़ती है तो हम जो अपनी चूना जो अपन पानी लोग जर्दे के साथ खाते हैं तम्बाकू के साथ खाते हैं तो उस टिकिया का एक टिकिया उसकी चूने की और एक 15 लीटर की टंकी के अंदर मिला के आकस्मिक आपूर्ति हम चूने की कर सकते हैं। कई दफ़ा बोरोन की कमी भी दिखाई देती है तो बोरोन के लिए भी हालांकि प्रमाणीकरण संस्थाओं के द्वारा चिलेटेड न्यूट्रिशन को अलाउ किया हुआ है लेकिन यदि वो बाज़ार में महंगे मिलते हैं तो आप खेत पर भी इसका वनस्पतिक जितने भी आपका खेत के आसपास जो भी वनस्पति है आप किसी भी वनस्पति के अंदर निर्भर नहीं रहेंगे उस वनस्पति में बोरोन होता है उसमें किस में क्या बोरोन होता है जितनी भी वनस्पति है वो आसपास जिसमें आपको लगता है इसके अंदर रस बहुत ज़्यादा है चाहे वो हिरणखुरी क्यों नहीं हो चाहे वो गाजर घास ही क्यों नहीं हो उनका आप रस बना के इसके ऊपर स्प्रे करते हैं तो सूक्ष्म पोषक तत्वों की पूर्ति आसानी से हो जाती है।
कई दफ़ा पौधों के अंदर ऊपर से कर्लिंग की समस्या भी हो जाती है, तो हम रस चूसक कीट नियंत्रण जितने भी कीट नियंत्रक है उनका उपयोग करते हैं, फिर भी आपकी फसल में वो नियंत्रित नहीं होता है। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है, ये चीज़ सूक्ष्म पोषक तत्व इसमें मैग्नीज और बोरॉन कैल्शियम इनकी वजह से भी होता है। तो जितने भी पोषक तत्वों का जो प्रभाव है ये टमाटर की फसल पर विशेष रूप से नज़र आता है। तो पोषक तत्वों की पूर्ति अपरी हमारी फसल में देने के बावजूद भी हमारे इस पौधों के ऊपर नज़र आ जाता है, जिसका आकस्मिक निदान करना आवश्यक है, नहीं तो उसका प्रोडक्शन डाउन हो जाता है। इसके अलावा भी हमें निरंतर इनके पौधों के अंदर रोटिंग की समस्या भी आ जाती है, फ्रूट जो फ्लाई है वो भी इसमें लग जाती है, तो इसका भी हमें ट्रैप यहाँ पर लगाना पड़ता है। कई बार फल सड़ने लग जाते हैं तो छाछ का स्प्रे को हमें दोहराना पड़ता है। सड़े हुए फलों को, गिरे हुए पौधों को, टूटी हुई डालियों को निरंतर हम लोग यहाँ से हटाते रहते हैं, ताकि स्वच्छ पौध आगे जाके किसी तरह से जो संक्रमण है वो फसल के अंदर नहीं पहुँचाएँ। लाइट ट्रैप, इंसेक्ट ट्रैप, जो जितने भी जो लगने चाहिए वो हम निरंतर लगाते रहते हैं। नीम तेल, करंज तेल, महुआ तेल के अलावा अनन्य औषधियों का उपयोग भी हम समय समय पर करते रहते हैं। इनका बखान इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि हर कंपनी का अलग अलग तेल अलग अलग पीपीएम में आता है, तो वो सब कंपनियाँ स्वयं बता देती है कि कब क्या करना है। हमें तो सिर्फ ये है कि खेत आधारित व्यवस्थाओं का समावेश करते हुए किस तरह हम जैविक खेती को बढ़ावा दें, हमारा प्रयास ये रहता है। टमाटर के उत्पादन के अंदर हम रिकॉर्ड हमने यहाँ पर तोड़ा है। कई बार उत्पादन आपका अतिरिक्त आ जाता है, मार्केट में भी आपको भाव नहीं मिले, तो हम मूल्य संवर्धन पर भी काम कर रहे हैं, जिसमें टमाटर का सॉस है, टमाटर की चटनी हो गई, इसके अलावा टमाटर का पाउडर और टमाटर की चिप्स भी हमने बनाई है। ये सब करके भी हम आय का सृजन कर सकते हैं। गांव की महिलाओं को, गांव के युवाओं को जो बेरोजगारी का अपने आप को बेरोजगार मानते हैं, उनको रोजगार देकर भी इस प्रयास को वो कर सकते हैं। तो ये थी टमाटर की खेती। बारिश की खेती के अंदर जब भी हम बारिश में टमाटर लगाते हैं तो मेड़ पर लगाएं, डोली पर लगाएं, पाड़ी पर लगाएं, ताकि हमारी फसल को कोई नुकसान ना पहुंचे। यदि हम गर्मी के अंदर फसल लगाते हैं तो गर्मी का सीधा प्रभाव नहीं आए, तो इसमें आप पन्नी लगा के या घास लगा के इस तरह से इसको बचाव करके लगाएं, ताकि पौधे पर सीधी गर्मी नहीं पड़े। अच्छी किस्म का उपयोग करें, सरकारी यदि किसी संस्थाओं से यदि अच्छा बीज मिलता है तो उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा स्वयं का बीज तैयार करके भी टमाटर के ऊपर अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। इसमें मेन सावधानी टमाटर की है कि कीट एवं रोग का आपको इंतज़ार नहीं करना है कि हम आएगा जब हम इसमें इलाज करेंगे, इसमें आप ये सब आने से पहले ही इसका बचाव पूर्व में जारी रखना है। पोषक तत्वों का मेन योगदान इसके अंदर मैंने आपको बता दिया, जिसको आप यदि फॉलो करेंगे तो इसमें कोई तकलीफ नहीं आएगी। ये थी टमाटर की जैविक खेती की छोटी सी जानकारी। धन्यवाद।